प्लस नॉर्ड 3। हाँ गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं इंडिया के अंदर वन प्लस अपना वन प्लस नॉर्ड 3 लेकर आने वाला है, और इसमें हम बात करने वाले हैं इस स्मार्टफोन के बारे में, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोस के बनाए हुए हैं और इस वीडियो में बात करेंगे। जल्दी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ वन प्लस के नॉर्ड 3 को लेकर, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वन प्लस नॉर्ड 3 हम 2022 से बहुत वेट कर रहे हैं पिछले साल से। अब 2023 आ चुका है और 2023 के 3 महीने भी कंप्लीट होकर फोर्थ मंथ चल रहा है, अभी तक वन प्लस इसको लेकर नहीं आया है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्पेसिफिकेशन के बारे में, बाद में बात करते हैं प्राइस लॉन्च डेट के बारे में। तो बिल्ड डिज़ाइन की अगर मैं बात करता हूँ वन प्लस नॉर्ड 3 की, बिल्ड डिज़ाइन बहुत प्रीमियम मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा लुक के साथ आपको वन प्लस प्रोवाइड करने वाला है नॉर्ड 3। एंड डिस्प्ले में अगर हम बात करते हैं 6.7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा, सुपर एमोलेड नहीं फ्लूइड एमोलेड कहता है वन प्लस उसे, सेंटर पंचोल ओवर 120 फिशिंग रेट भी आपको देखने मिल जाने वाला है। तो कह सकते हैं जो पैनल होने वाला है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, और बस ये है कि यहाँ पर गई इसको पिछले वाले लोगों ने छोटा डिस्प्ले दिया, इस बार अच्छा बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जो मुझे अच्छी बात लगी। चिपसेट में अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर जो डायमेंसिटी का 9000 वाला चिपसेट मिल जाएगा, वो परफॉर्मेंस के मामले में और बढ़िया होने वाला है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज डायमेंसिटी 9000 बहुत ही बढ़िया चिपसेट है। देन कैमराज में आपको मेन कैमरा यहाँ पे मिलने वाला है 50 पिक्सल का, जो सोनी का सेंसर होने वाला है वो आईएस का सपोर्ट मिल जाएगा, अल्ट्रा वाइड डेप्थ सेंसर भी मिलेंगे आपको, सेल्फी 30 पिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी वहाँ से, 1080p बना लोगे तो वो बढ़िया है। तो कैमरा डिपार्टमेंट फोन मुझे बहुत अच्छा लगा है। बैटरी में तो बात कर ली जाए तो अराउंड 5000mAh की बैटरी मिलने वाली है प्लस टाइप सी, एंड 80W की फास्ट चार्जिंग आपको जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाने वाली है, तो ये भी बहुत अच्छी बात करी है यहाँ पर। तो आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पर बैटरी भी अच्छी खासी दी गई है, प्लस यहाँ पर आप लोग 80W की इंक्रीज़ नहीं किया गया बैटरी का, मतलब फास्ट चार्जिंग को पिछले बार नॉट 2T से अगर आप कंपेयर करोगे तो, बट बैटरी इंक्रीज़ करी गई, तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। UM Android 3.0 बॉक्स होगा, ऑक्सीजन का रन करने वाला है, ये है पूरा यहाँ पर वन प्लस का नॉट 3। अगर हम बात करते हैं फाइनली 2 मेन चीज़ के बारे में, एक है प्राइस और एक है लॉन्च डेट, तो इसमें जो प्राइस होने वाली है वो अराउंड होने वाली है करीब 34,000 या 35,000 रुपीज़। अब ये मेरे हिसाब से लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, बिकॉज 30,000 रुपये की अगर इसकी प्राइस होती तो मैं समझ सकता था कि बेटर होता, बट 35,000 रुपीज़ मेरे हिसाब से ज़्यादा कॉस्टली हो जाता। बट मैं ये भी नहीं कहता कि फ़ोन एकदम बेकार है, बहुत ओवर प्राइस हो गया, 5,000 रुपये मेरे हिसाब से ठीक है, मतलब इतना भी नहीं है, मतलब ठीक फ़ोन है, अच्छा है, बट अगर 30,000 लॉन्च करते ना तो वो और बेटर क्या बहुत अच्छा हो जाता। फाइनली बात करते हैं इसके लॉन्च इवेंट के बारे में, बिकॉज मुझे पता है कि इस चीज़ को लेकर लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसी के लिए वीडियो भी देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मई के मंथ में आने वाला है, या मई या जून के मंथ में इंडिया के अंदर आएगा। अभी इसका क्योंकि लॉन्च का इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज वन प्लस नॉट 2T बहुत चला है ऑफलाइन मार्केट में, मैंने देखा ऑफलाइन मार्केट में वन प्लस नॉट 2T बहुत बिका, इसलिए लगता है नॉट 3 को थोड़ा वेट करने में लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो अगर आप लोग वेट कर रहे हो नॉट 3 का, तो मैंने ऐसे बता दी जून के मंथ में, जून मई जून के मंथ में आ ही जाने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं लेट करने वाले वो। तो हमारा वीडियो आपको पसंद आए लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये डेली कंटेंट चैनल पर आ रहा है, पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए एक से एक कंटेंट लेकर आएँ, और हमेशा अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए बनाते हैं, तो उसमें हम लगे हुए हैं यार। तो बताना कमेंट करके कैसा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।